नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं dlllntop.com। मैंने अपने दो अच्छे दोस्तों से बात की, भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। व्यापार, साझेदारी और सबसे बढ़कर कश्मीर में तनाव कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के मिलकर काम करने के बारे में बातें हुईं। स्थिति काफ़ी कठिन है मगर बातचीत अच्छी रही। 20 अगस्त की तड़के सुबह 5:13 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया। वो 19 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ टेलीफोन पर हुई अपनी बातचीत का जिक्र कर रहे थे। बातचीत जिसमें कश्मीर और वहां पसरा तनाव बड़ा मुद्दा था। आर्टिकल 370 पर लिए गए भारत के ताज़ा फैसले के बाद ट्रंप और मोदी के बीच हुई पहली बातचीत थी। ट्रंप के ट्वीट से पहले 19 अगस्त को व्हाइट हाउस इस बारे में बयान जारी कर चुका था। इसमें बताया गया था कि ट्रंप ने मोदी और इमरान से हुई बातचीत में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अहमियत पर बात की। इस बातचीत से 19 अगस्त को एक और डेवलपमेंट हुआ। सरकारी पक्ष की तरफ से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को आज़ाद कराने जैसे बयान आए। ये बोलने वालों में राजनाथ सिंह और PMO के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों शामिल थे। इसके बाद एक आशंका ये पैदा हुई थी कि क्या भारत POK में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई के बारे में सोच रहा है। राष्ट्रीय सवाल ये बना रहा कि PM मोदी ने ट्रंप से आखिर क्या बात की। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर PMO इंडिया ने बयान निकाला। PMO ने कई सिलसिलेवार ट्वीट किए, ट्रंप के साथ क्या और किस बारे में बात हुई इसका हिंट दिया। लिखा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बात हुई। 30 मिनट तक हुई उनकी बातचीत में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई। दोनों नेताओं के रिश्तों की तरह ये बातचीत काफ़ी गर्मजोशी और आत्मीयता से भरी रही। फिर और कई ट्वीट PMO इंडिया ने किए, इनमें बातचीत के बारे में और विस्तार से बताया। हाईलाइट था कश्मीर और कश्मीर के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात। इस बारे में मोदी ने ट्रंप से क्या कहा ये बताते हुए ट्वीट्स में लिखा था, क्षेत्रीय स्थितियों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र के कुछ नेताओं की आक्रामक बयानबाजी और भारत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना शांति के लिए मुनासिब नहीं है। PM ने आतंकवाद और हिंसा मुक्त माहौल बनाने की अहमियत पर बात की। सीमा पार से निर्यात हो रहे आतंकवाद के हर हाल में खत्म होने पर भी बात की उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस राह चलने वाले देशों के साथ सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्ध है भारत। ये सारी बातें पाकिस्तान के संदर्भ में कही गईं। रेटोरिक का जिक्र वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के सिलसिले में किया गया। कश्मीर पर भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। इमरान खान लगातार ट्वीट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। वो भारत को सबक सिखाने की बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के संसद में खड़े होकर वो कह चुके हैं कि पुलवामा जैसी घटनाएं दोबारा होंगी। खून की आखिरी बूंद तक जंग लड़ने की धमकी दे चुके हैं, न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। और अब ट्रंप का फोन आया। सवाल उठता है कि पाकिस्तान को इससे खुश होने की वजह मिली क्या। पाकिस्तान को वैसे भी काफी उम्मीदें होंगी इस बातचीत से, मगर जो मालूम है उसके मुताबिक पाकिस्तान को खुश होने की वजह नहीं मिली है। भारत की तरफ से अमेरिका को जो कहा गया है उसका अनुवाद ये है कि पाकिस्तान के तौर तरीके शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिहाज से ठीक नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपना रवैया ठीक नहीं करता, भारत की तरफ से सहयोग की उम्मीद बेमानी है। और जब तक पाकिस्तान अपने बर्ताव में सुधार नहीं करता, द्विपक्षीय बातचीत की भी गुंजाइश नहीं है। मगर सवाल उठता है कि पाकिस्तान को अमेरिका के फोन से उम्मीदें थी ही क्यों। इसकी वजह है अफगानिस्तान, जहां अमेरिका और तालिबान की बातचीत अपने निर्णायक दौर में है। अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका को वहां स्थितियां ठीक करनी है। तालिबान के साथ किसी ठोस समझौते पर पहुंचना है, इसके लिए उसे पाकिस्तान की ज़रूरत है। यही बात पाकिस्तान को अमेरिका के साथ बार्गेनिंग पोजीशन में लाती है। इसी वजह से पिछले दिनों जब इमरान अमेरिका पहुंचे तो ट्रंप के साथ बातचीत में कश्मीर का मुद्दा उठा। ट्रंप ने तब कश्मीर में मध्यस्थता की पेशकश की थी। कहा था कि मोदी ने उनके सामने कश्मीर मामले में मध्यस्थ बनने की प्रस्ताव रखा है। ट्रंप का ये दावा भारत के पारंपरिक स्टैंड से मेल नहीं खाता। उस समय भी भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत की तरफ से साफ कहा गया था कि मोदी ने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया है। ये किरकिरी थी ट्रंप की। साफ संकेत भी था कि भारत कश्मीर पर स्टैंड नहीं बदलने जा रहा है। ट्रंप के साथ अपनी इस ताज़ा बातचीत में भी भारत ने कुछ नहीं कहा है, अपना पुराना स्टैंड दोहराया है। उम्मीद है कि इससे इमरान खान सरकार को चीज़ें साफ हो गई होंगी कि उन्हें किसी और का मुंह ताके बिना आपसी बातचीत के सहारे ही भारत के साथ कश्मीर विवाद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बातचीत शुरू हो इसके लिए उन्हें आतंकवाद का एक्सपोर्ट करना बंद करना होगा, वरना तो जो है वो सो है ही।
आपका पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी ऐप प्ले स्टोर पर है, उसे डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए। शुक्रिया।